तो व्यूअर ये वही जो आपको मैंने बताया वेगनार टाइप जो है वो मेरान के आए हुए थे शीशे मेरे पास, तो इस बाइक को मैंने ये जो है ना वो शीशा बताया मेरे पास तो फिलहाल न्यू आया है मार्केट में, तो पहले ही आ गया होगा। अनीस भाई क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहा हूँ, आपने सारा का सारा ये माल देखो पूरा बिखेर के आप चले गए और बिल मेरे हाथ में आपके सामने सामान लगा रहा हूँ। खानदान नहीं पूरे भाई, मैं आपने काम से भेजा था, मैं उधर गया था। शबीर भाई अभी ये ना काम अभी ये सारा आप करोगे, बायर का काम मैं करूँगा। कदीर भाई आए हुए उनकी गाड़ी का काम है, तो मैं व्यूअर्स को बताऊँगा क्या काम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आप देख रहे हो ना ये बाइक जो है ना शबीर भाई मुझे अकेला छोड़ के पर भाग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम कदीर भाई, भाई क्या हाल है आज दोबारा ये खबर आप अपनी ले आए हो? यार साइड ग्लास लगवाए थे मेहरान के पर जो है ना वो मजा नहीं करे, व्यू उसका अच्छा नहीं आ रहा है, अब कल्टस के चेंज करवाने आए। तो भाई कदीर भाई ये तो हमसे ही लिए हुए थे ना मेहरान वाले, ये वही है ना? जी जी वही। इसको तो 15 दिन भी नहीं हुए क्या, इसका व्यू अच्छा नहीं आ रहा है? व्यू अच्छा नहीं आ रहा है। आपको मतलब कल्टस वाले चाहिए? कल्टस वाले चाहिए। तो भाई इसमें कल्टस वाले फिटिंग में आ जाएंगे? हाँ थोड़ी अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। अच्छा अल्ट्रेशन तो ये अपना उमर उस्ताद ही करेगा? उमर उस्ताद। तो ये भाई 15 दिन पहले टाट ग्लास लगा कर गए हुए थे, मेहरान की अच्छी क्वालिटी के थे, फिर भी इनको जो है ना वो व्यू असल में ऐसे इनकी थोड़ी हाइट ऊपर है तो उनको जो है ना नीचे का दिख रहा नहीं है। तो ये भाई कह रहे मुझे कल्टस वाले, मैंने कल्टस में बैठा हुआ था तो उसका व्यू बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये भाई जो है ना वो टाट ग्लास चेंज करेंगे, बस आप बताओ कमेंट करके ये सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, क्योंकि खेबर में कल्टस के पता नहीं, मुझे नहीं पता लगेंगे या नहीं लगेंगे। ये तो हमारा उमर भाई जो है वो अल्ट्रेशन करके लगाते हैं, आप देखते किस तरीके से लगाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। उमर भाई जी भाई कल्टस के लगा लोगे इसमें आप? हाँ सर देख लो अल्ट्रेशन करके जेन्युइन तरीके से आने चाहिए। हाँ ये व्यूवर्स देखेंगे बाद में कमेंट्स आएंगे तो मैं आपको ज़रूर जो है ना दिखाऊँगा, ठीक है? तो अभी आप क्या कर रहे हो उमर? सर इसका ये वायर जाम था, एक्सीलेटर का ना ये वायर, मतलब भाई बोल रहा था ये असल में सलब अटक रहा है। अच्छा एक्सीलेटर अटक रहा है थोड़ा सा। अच्छा तो देखा तो वायर का मसला है, वायर इसकी कटी हुई है। तो आपने केबल बदली कर दी है? केबल का काम इसका कंप्लीट हो गया, अब शीशों पे लगोगे ना, तो शीशों का ए टू जेड बताना। बाकी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह कल्टस के साइड में आप जो है लेफ्ट और राइट दोनों मिल जाएंगे, इसमें जो है वो हल्के वाले भी आते, अच्छी कंपनी में भी आते और जेन्युइन भी आते। तो मेरे पास अच्छी क्वालिटी में और हल्के वाले दोनों अवेलेबल है, जो कंपनी के सुजुकी के आते हैं वो मेरे पास फिलहाल नहीं है। तो अब देखते हैं उमर भाई किस तरीके से फिटिंग करते हैं और इनको दोनों में वैरायटियां दिखाऊंगा, जो उनको पसंद आएगी वो जो है ये लगाएंगे। जी उमर भाई तो लगा के देखता हूँ, फर्क तो आ रहा है बहुत यार। आप देखो ना ये कल्टस वाला, ये जो है मेहरान वाला तो खैर लग जाता है खैबर में, अब बहुत फर्क आ रहा है। अब क्या अल्ट्रेशन करोगे आप ये बताओ मुझे? देखते हैं अगर लग गया ठीक है, नहीं तो भाई दूसरे लगा देंगे, ये लाजमी नहीं। अब ये इसको देखो चैलेंज की बात है भाई, भाई कस्टमर कह रहे हैं आप लगा कर दो, अब आपका देखते हैं दिमाग है क्या लगाते हो, आपसे लगता है या नहीं लगता है। शफकत भाई आप बताओ, ये भाई जो है ना वो कस्टमर कह रहे कि मुझे लगा कर दो, वो जिद कर रहे, ठीक है? उमर भाई ने बोला मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं लगा कर दूंगा, लग जाएंगे। आप बताओ लगेंगे नहीं लगेंगे? नहीं लगेंगे भाई, कटिंग करनी पड़ेगी, दवा होगी। अच्छा दरवाजों की कटिंग करनी पड़ेगी, शीशों की कटिंग नहीं होगी? तो भाई ये काम तो जो है ना बहुत रिस्की काम है और मैं तो चाहता हूँ फिर ये काम ना हो तो बेहतर है, क्योंकि दरवाजों की कटिंग जो है वो बहुत गंदा काम हो जाता है। अब देखते हैं उमर भाई रख के चेक करते किस तरीके से लगाते हैं। तो भाई सारे के सारे शीशे जो है ना उमर भाई ने यहाँ पे सजा कर रख दिए, कल ये भी कल्टस का, ये भी कल्टस का, ये वाला जो है मेहरान का इन भाई ने निकाला। अभी वैसे खैबर का अपना भी पड़ा हुआ है मेरे पास, पर भाई कह रहे यार खैबर का अपना जो है ना वो लोहे की पट्टी में आता है, उसमें ज़्यादा जो है ना वो मतलब ऊपर नीचे नहीं होता है, जिस तरीके से मेहरान वाला होता है ना ऊपर नीचे, इस तरीके से जो है ना वो खैबर वाला नहीं होता है। तो ये जो है ना ये भी मेहरान का ही है, पर ये जो है ना स्टाइल वेगनार वाला दिया हुआ है, इसमें शेप जो है वो वेगनार वाला है। आप देखें इसका जो कोना है, इसकी गोलाई है, सारी की सारी वेगनार में जो लग कर आता है शीशा वही है। और इसकी जो ये वाले पोर्ट है, तीन जो इसका स्टेन है, ये बिल्कुल मेहरान वाला ही है, जो खैबर में इजीली फिट हो जाता है। भाई अभी देखो आप, बहुत जबरदस्त आ रहा है इसमें व्यू, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है और बिल्कुल जो है ना सेटिस्फाई हो ना। तो व्यूअर ये वही जो आपको मैंने बताया वेगनार टाइप जो है वो मेहरान के आए हुए थे शीशे मेरे पास, तो इस बाइक को मैंने ये जो है ना वो शीशा बताया मेरे पास तो फिलहाल न्यू आया है मार्केट में, तो पहले ही आ गया होगा। तो मेरी दुकान के हिसाब से मेरे पास ये न्यू डिज़ाइन है गोलाई वाली, ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वेगनार गाड़ी है उसमें लग कर आ रहा है।
ये वाला शीशा। तो ये भाई जो है कदीर भाई बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए इस चीज़ से और बोला पीछे का व्यू वगैरह बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि इसकी जो शीशे की लेंथ है ना वो थोड़ी चौड़ी है यहाँ से, तो उस वजह से। और इसमें जो है ना सेटिंग वगैरह भी बहुत दी हुई है नीचे ऊपर की तरफ। और तो उमर भाई, भाई का काम कर दिया ना मैंने, आपसे नहीं हुआ पर मैंने कर दिया। आपने कहा ना भाई दरवाज़ा कटेगा, तो मैंने कहा यार भाई का नुकसान नहीं हो, काम ऐसा हो जेन्युइन काम हो। भाई भी खुश हो गए, उनका जो है ना कोई चीज़ कटिंग बटिंग भी नहीं हुई, सही है ना भाई, इसी जेन्युइन फिटिंग में आ गई। जी उमर भाई, ओके कर दिया भाई का सारा का सारा काम, दोनों साइड ग्लास चेंज कर दिया। कदीर भाई ट्राई भी मार के आए हो, गाड़ी के व्यू अच्छा आ रहा है, काम बहुत अच्छा हुआ है और जो है बिल्कुल हम सर्टिफाइड काम है और बहुत अच्छा काम है यहाँ का। उमर भाई का जो है बहुत अच्छा वो है और रेट भी बिल्कुल मुनासिब है इनका। आप इनका जो है चैनल वो भी सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। तो व्यूअर्स आप भी, अभी कदीर भाई ने भी जो है रिक्वेस्ट कर दी आपसे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।